उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर रोलर पे इस तरीके से पेंट लगाना है चारों ओर बिल्कुल भी बराबर, और पेंट बिल्कुल भी ज़रा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा आप मिलाते हैं तो फिर ये इधर उधर बहने लगेगा। उसके बाद इस तरीके से आपको स्टेंसिल के ऊपर चलाना है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। रोलर पूरा अच्छे तरीके से भींगा हुआ होना चाहिए तो फिनिशिंग जो है वो बढ़िया आती है। जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए।